हेलो एवरीवन, कैसे हो? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। आशा करते हैं आप भी परिवार सहित ठीक होंगे। परमपिता परमात्मा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दे और आपके घरों में खुशियां ही खुशियां आए। तो जी, अब मैं बना रही हूँ कमल ककड़ी की सब्जी, छौंक वाली मिर्च, और आपको मेरी नई आटा चक्की आई है वो भी दिखाऊंगी, बाजरा गेहूँ वो पीस के दिखाऊंगी आपको, और लास्ट में एक बढ़िया सा भजन सुनाऊंगी। वीडियो जरूर देखना और लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जो करके बताया करो। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये राई है, थोड़ी सी ये मैंने मसाला पीस रखा है, सौंफ और धनिया और जीरा। ये हल्दी है, थोड़ी सी लाल मिर्चा, बीच में से छेद रखे। खाने में अगर मिर्च होता हो तो खाने का स्वाद अच्छा नहीं रहता, नहीं आता। जो मिर्च का अचार डालते हैं ना, उसमें तो तेल तिराना पड़ता है ऊपर तक, जब वो ठीक रहती है। लेकिन ये इसमें थोड़ा नींबू निचोड़ देते हैं, नींबू का रस डाल देते हैं, मसाले में ऐसे थोड़ा सा तेल डाल के छोड़ देते हैं, तो ये बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ी थोड़ी बना लो और अपना तेज पत्ता, तेज पत्ता, ये जीरा, पीली सी पीली सरसों, ये प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, हल्दी और सूखा धनिया और लाल मिर्च थोड़ी सी। मसाला भून गया है मेरा, अब इसमें ये डाल दी, अब इसमें ये मसाले में कमल ककड़ी डाल दी है, इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी डाल के ढक देंगे। ये उबली हुई तो पहले ही है और बन जाएगी 5 मिनट में। वाली हरी मिर्च है और ये कमल ककड़ी की सब्जी। अब मैं आपको चक्की चलाना और बता देती हूँ, बाजरा पीस के बताऊंगी आपको, बाजरा पीसूंगी दिखा रही हूँ आपको। देखिए ये पुरानी चक्की है, पिछले साल ली थी मैंने। तो इसमें क्या था कि ये जैसे ज्यादा देर चलती तो यहाँ से गर्म हो जाती थी बहुत, ये मोटर इसकी बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी, यहाँ से मोटर इसकी गर्म हो जाती थी तो बार बार मुझे रोकना पड़ता था। ये इसको यहाँ से जैसे रखती थी, नीचे कुछ बर्तन रखती थी तो ये भर जाता था ऐसे, तो बार बार मुझे इसके पास बैठना पड़ता था। और ये गर्म भी बहुत होती थी, आटा भी उड़ता था, इस वजह से मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैंने दूसरी ली है, वो दूसरी दिखाती हूँ आपको, बंद वाली। ये देखिए ये बंद वाली चक्की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका इसका ऊपर का ओपन नहीं है, ये जालियाँ है, ये जालियाँ है। इसमें जो चीज़ भी आपने पीसनी है ना, वो उसी नंबर की जाली लगा लेते हैं, ये जाली है सारी। अब जैसे इसमें ये पहले नंबर की जाली पे है बाजरा, गेहूं,
ये क्या है, बाजरे आटे के लिए। और पहले नंबर पे ये जाली जो इसमें लग रही है ना, वो ही लगानी पड़ेगी। इस पे सब कुछ डिटेल लिखी हुई है भाई, कौन से क्या पीसना है और कौन से नंबर की जाली लगेगी, सारा सब कुछ लिखा हुआ है इस पे। और ये इसका है खोलने का, ये देखिए। उस चक्की में तो हो वो पत्थर वाले पार्ट होते हैं और इसमें खाली घर आ रही है, ये इसमें जाली लगी हुई है, ये गेहूँ की और बाजरे के आटे की लगी हुई। इसको घुमा के देख लेते हैं हम, अगर ये अड़ नहीं रही तो सही से लग रही है, अगर ये अड़ेगी तो फिर सही से नहीं लग रही है। इसको हम बंद कर देते हैं ऐसे, और ये इसमें फिट कर देते हैं। इसको इसमें डाल देंगे, बाजरा गेहूं जो कुछ भी पीसना हो इसमें डाल देंगे। ये होपर है इसका, ये होपर है, ये 3-4 किलो एक बार में पीस जाता है, चाहे बाजरा हो चाहे गेहूं हो मक्का हो चने हो बेसन पीसना हो, हर उसका नंबर डाला हुआ है इस पर। जो चीज़ पीसनी हो वही जाली सेट कर लो इसमें और इसको ऐसे पैक कर दो। अब देखो मैं आपको बाजरा पीस के दिखाती हूँ, देखो इसमें डाल देते हैं ये फुल भर के, 3-4 किलो एक बार में पीस जाता है। और जैसे वॉशिंग मशीन का बजर बजता है ना, जैसे ये पीस जाएगा बजर बज जाएगा, उसके बाद अपना आटे को निकाल लो, ना कोई उड़ने का झंझट है ना कोई गर्म होने का झंझट है, कुछ भी नहीं है, आराम से नो टेंशन। ये देखो बंद कर दिया मुझे, खाली पड़ी है बदल गया तो मुझे तो। ये देखो इसमें 5-7 मिनट ही लगी है, 2 किलो बाजरा था पीस गया है। इसमें उड़ने का झंझट है ना इसमें गर्म होने का झंझट है, आराम से पिस जाता है, बजर बज जाता है, फिर बंद हो जाती है अपने आप, जैसे वॉशिंग मशीन का बजर बजता है ये अपने आप बंद हो जाती है। ये देखो, देखो कितना बढ़िया आटा, बारीक पीसो बारीक पीस लो, मोटा पीसो मोटा पीसो, जैसा मन करे वैसे ही इसको सेट कर दो। 2 किलो था ये, इसमें 5-7 मिनट लगी है। इसके बाद बस इसको साफ कर देंगे, ये खोल के इस जाली को निकाल के साफ कर देंगे, इसको ब्रश से साफ कर देंगे और बंद। ये सिस्टम है इसका, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, आप कमेंट करके बताना कि आपको अच्छी लगी क्या, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के बताना। और मैं आपको एक भजन सुना रही हूँ, माता पिता की सेवा के बारे में ही सुनना जरा। कृष्ण भगवान ने की ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर लो मात पिता की सेवा, ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर लो मात पिता की सेवा, मात पिता हो रूप हरि का, मात पिता हो रूप हरि का, मिलता मोक्ष धाम फिरी का, मिलता मोक्ष धाम फिरी का, क्यों तन धाम बिसारा रे, कर लो मात पिता की सेवा, क्यों तन धाम बिसारा रे, कर लो मात पिता की सेवा, ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर लो मात पिता की सेवा, हो के घमंड नशे में झूले, हो के घमंड नशे में झूले, कदर जो मां
कदर जो मात पिता की भूल फिरता मारा मारा रे कर लो मात पिता की सेवा फिरता मारा मारा रे कर लो मात पिता की सेवाए मिलते नहीं दोबारा रे कर लो मात पिता की सेवा मात पिताई राम श्याम है मात पिताई राम श्याम है मात पिताई चारों धाम है मात पिताई चारों धाम है हो जाए पार किनारा रे कर लो मात पिता की सेवा हो जाए पार किनारा रे कर लो मात पिता की सेवाए मिलते नहीं दोबारा रे कर लो मात पिता की सेवा जिसने मात पिता को सताया जिसने मात पिता को सताया उसको मोक्ष मिले नहीं माया उसको मोक्ष मिले नहीं माया हमने नहीं विचारा रे कर लो मात पिता की से हमने नहीं विचारा रे कर लो मात पिता की से ये मिलते नहीं दोबारा रे कर लो मात पिता की सेवा ये मिलते नहीं दोबारा रे कर लो मात पिता की सेवा। भजन और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना कि भाई जो भी कमेंट में लिखना हो लिखना आपके किए हुए कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर।